हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है सुजुकी की इको, जो कि हमारे पास डेंटिंग और पेंटिंग वर्क के लिए आई है। आप इसकी कंडीशन को देख सकते हैं, आप इसके डेंट और स्क्रैचेस को देख सकते हैं। स्टिकर के ऊपर भी स्क्रैचेस हुए और हमने अब डेंटिंग का काम शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं डेंटिंग वर्क चालू है। डेंटिंग का वर्क होने के बाद हम कलर को डल कर रहे हैं, जिससे कि इस पर बॉडी फिलर को अच्छे से अप्लाई किया जा सके। और ये पूरी तरीके से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया पानी को। स्टिकर के ऊपर क्या हुआ कि स्क्रैचेस हो गए, जो हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टिकर के ऊपर से स्क्रैचेस रिमूव करेंगे तो स्टिकर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम स्टिकर को टेप कर रहे हैं और ये टेपिंग वर्क हो गया है। हमने बॉडी फिलर का फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने के लिए इसे मिला दिया है दोनों ट्यूब को और ये इसे अप्लाई कर दिया है। ये फर्स्ट स्टेप है बॉडी फिलर का। अरे बॉडी फिलर को अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसे सैंडिंग किया जा रहा है, जिससे कि कलर क्वालिटी अच्छे से आ सके। और ये हमने ग्रे पुट्टी को भी अप्लाई कर दिया, जिससे कि छोटे बड़े खड्डे हो वो भी फील हो जाए और कलर क्वालिटी अच्छे से आ सके। इसको भी सैंडिंग किया जा रहा है। और ये हमने अब सर्फेसर को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट स्टेप है ये कलर का। और ये हमने फाइनल स्टेप, जो कि इसे क्लियर बोलते हैं, ये कलर के बाद अप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है कि कलर की शाइनिंग भी आती है और कलर की लाइफ भी होती है। आप देख सकते हैं इससे कलर की शाइनिंग कितनी शानदार आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।